गुरुग्राम में पिछले एक महीने से राहत शिविरों में रहने वाले अन्य प्रदेशों के श्रमिकों को अब उनके गृह प्रदेश में भेजने की तैयारी हो रही है। हरियाणा रोडवेज की बसें अब राहत शिविर में रहने वाले श्रमिकों को उनके घर पर छोड़ने जा रही हैं। पिछले एक महीने से ये राहत शिविर में रहकर अपना खान पान सब कर रहे थे और ऐसे में अब उन्हें घर भेजे जाने से श्रमिकों में काफी खुशी है। लॉकडाउन के दौरान जो श्रमिक गुरुग्राम में फंस गए थे, अब उन्हें उनके गृह प्रदेश में जाने की तैयारी चल रही है। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के राजीव चौक पर, जहां आप देख सकते हैं ये हरियाणा रोड की बस है और जो इसके अंदर श्रमिक बैठे हुए हैं ये तमाम वो लोग हैं जो लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम में फंस गए थे और अब इन्हें गुरुग्राम पुलिस जो है उनके गृह प्रदेश में पहुँचाने की तैयारी कर रही है। हालाँकि ये पहली बस है जो कि बुलंदशहर के लिए ये बस रवाना हो रही है और इसके अलावा जो ये लोग हैं ये राहत शिविर में रह रहे थे जो कि ये गुरुग्राम से नहीं है, ये अन्य जिलों से आ रहे थे और गुरुग्राम के रास्ते अपने घर जा रहे थे पैदल, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने इनको रोका था और उन्हें राहत शिविर में रखा था। तो पिछले एक महीने से ये राहत शिविर में रह रहे हैं और प्रशासन और सामाजिक संगठनों द्वारा इन्हें राशन दिया गया था, खाने के लिए भोजन दिया गया था, तो अब इनको गृह प्रदेश में ले जाया जा रहा है। मैं इन्हीं लोगों से जान लेता हूं, आज कहां जा रहे हैं आप और कितने दिनों से गुरुग्राम रुके हुए थे? एक महीने से रुके हुए थे, बुलंदशहर जा रहे हैं। क्या कुछ राहत शिविर में रुके हुए थे या किस तरह की व्यवस्था की थी वहां? गवर्नमेंट सेंटर में थे, उसमें सब बढ़िया व्यवस्था थी, खाने पीने के लिए भी सब मिल रहा था। तो अब घर जा रहे हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, घर वालों से मिलने एक महीना हो चुका है, घर वालों से मिले हुए बहुत खुश हुए। कितना इंतजार था घर वालों का? बहुत घर वालों को इंतजार था, घर वाले तो परेशान बहुत रहे, रो भी रहे थे सर। हाँ, छोटे छोटे बच्चे वो भी रो रहे थे, लॉकडाउन के 3 महीने नहीं खुलेगा, क्या करेंगे हम। तो कहीं ना कहीं ये लोग फंसे हुए थे, आप लोग अब आप लोगों को घर जाने के लिए बस भेजी गई है, किस तरह आप लोग परिवार वाले कितने खुश है जब आपने सूचना दी परिवार वालों को? सर बहुत खुश है परिवार वाले। कब से इंतजार था घर जाने का? बहुत दिन से। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से तमाम वो श्रमिक हैं जिनको बहुत समय से इंतजार था कि वो अपने घर जो है जाएंगे और आज इन्हें घर भेजा जा रहा है। जो ड्राइवर है वो मेरे साथ है, इनको कहाँ ले जा रहे हैं जी आप? बुलंदशहर जी। बुलंदशहर। तो ये कहाँ से लाए गए हैं? ये गुड़गांव से जी। तो ये कितने लोग हैं आपकी इस बस के अंदर? तो क्या कोई सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वगैरह कोई सब कुछ आप को दिया गया या किस तरह? ना, ये खुद ले रहे हैं जी। अच्छा, खुद लगा रखा है इनको। तो ये बस रवाना हो रही है? रवाना हो रही है जी। ऐसी कितनी बसें हैं जो और भी ऐसे श्रमिकों को उनके गृह प्रदेश में छोड़ेगी? ऐसे 20 के लगभग गई है जी। 20 के लगभग बसें? देखिए 20 के लगभग बसें जो है यहाँ पर इनको गृह प्रदेश छोड़ रही है। इसमें गुरुग्राम पुलिस मौजूद है क्योंकि गुरुग्राम पुलिस की निगरानी में ही इन सभी को छोड़ा जा रहा है। मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगा, जो कि पुलिस कर्मी यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, इनको कहाँ ले जा रहे हैं आप और ये किस तरीके की व्यवस्था गुरुग्राम पुलिस द्वारा की गई है? सर जी, इनके जो नियरेस्ट स्टेशन है ना जी, बुलंदशहर, वहाँ पर इनको हम एंडोर करेंगे, जो भी शासन प्रशासन वहाँ पर मिलेगा। कितने समय से यहाँ फंसे हुए थे जब आपने इनसे जानकारी ली, तो अब ये लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ छोड़ेंगे आप इनको? इन लोगों का वहाँ पर एक पॉइंट बनाया हुआ है बुलंदशहर में, वहाँ पर जो भी शासन प्रशासन वहाँ पे होगा उनके हैंडओवर कर देंगे, वो लोग फिर इनको जो नियरेस्ट इनका गांव होगा वहाँ पर उनको छोड़ेंगे। एक बस में कितनी आप सवारी लेकर जा रहे हैं? 24 सवारी जो है लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम लोग हैं, ये अब अपने घर प्रदेश में जा रहे हैं, घर इनकी वापसी हो रही है और पिछले एक महीने से जो लॉकडाउन चल रहा था जिसके चलते ये अपने घर नहीं पहुंच सके थे और ये गुरुग्राम के रास्ते अपने घर जा रहे थे, लेकिन इन्हें गुरुग्राम पुलिस ने लॉकडाउन के समय में रोक लिया था और इन्हें राहत शिविर में भेज दिया था और अब इनको इनके गृह प्रदेश में भेजने की तैयारी चल रही है। और ये जो बस आप देख रहे हैं ये बुलंदशहर बस जा रही है, इस तरह की 20 अन्य बसें भी हैं जिनको यूपी और उत्तराखंड जो है उनके गृह प्रदेश में भेजा जाएगा। हालांकि अभी भी राहत शिविर में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड,
यूपी अन्य जो राज्य हैं उनके श्रमिक जो हैं उनके मजदूर जो हैं गुरुग्राम में रुके हुए हैं, हालांकि उनको भी भेजने की तैयारी अब धीरे धीरे चल रही है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।